Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. तो अब हम डिस्कस करेंगे डाइमराइजेशन ऑफ अल्केन्स. तो डाइमराइजेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल का आपस में मिलना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइमराइजेशन होती है उसमें तीन किस्म के मेन प्रोसेस होते हैं. एक तो होती है इनिशिएशन होती है, उसके बाद प्रोपेगेशन होती है, और थर्ड पे जो है टर्मिनेशन होती है. ये मेन तीन स्टेप होते हैं डाइमराइजेशन में. तो जो इनिशिएशन होती है हमेशा इस रिएक्शन में जो है वो एक फ्री रेडिकल से होती है. इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल से स्टार्ट होता है. तो इसमें जो ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो कि फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं. जो रिएक्शन को स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगा फ्री रेडिकल प्रोवाइड करके, तो उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल इनिशिएटर. तो बेसिकली हमें पता है कि डाइमराइजेशन भी हम करते हैं. डाइमराइजेशन करते हैं, उसके बाद ओलिगोमराइजेशन करते हैं. ओलिगोमराइजेशन में कार्बन जो होती हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर वो 4 से 20 तक होती हैं. तो उसके बाद हम पॉलीमराइजेशन भी अल्केन की करते हैं. डिफरेंट किस्म के हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं अल्कीन के लिए. तो डाइमराइजेशन तक रोकने के लिए रिएक्शन को हमें दो काम करने पड़ेंगे. हमें ये जो दो स्टेप हैं इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि प्रोपेगेशन है या टर्मिनेशन है. तो टर्मिनेशन का जो स्टेप है इसको अगर हमने डाइमराइजेशन तक रोकना है तो टर्मिनेशन स्टेप को हमने फास्ट करना है ताकि टर्मिनेशन हो जाए और प्रोडक्ट हमें मिल जाए, या प्रोपेगेशन स्टेप को स्लो करना है. तो ये होंगे कैसे कि जो टर्मिनेशन है या तो वो हो सकती है बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन से हो सकती है. तो या वो बीटा हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र होने से हो सकती है. और जो हमारे पास प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन को हम स्लो करने के लिए कोई भी हम डोनर मॉलिक्यूल जो है वो जब ऐड करेंगे, डोनर मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे तो वो जो ऑलरेडी अल्कीन का मॉलिक्यूल होगा उससे कम्पीट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा जो हम मेटल यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के अंदर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू अल्कीन. तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा. तो इस तरह से दोनों स्टेप्स को रोक के हम जो है डाइमराइजेशन करते हैं. तो अब हम देखते हैं इसका हम डाइमराइजेशन करेंगे प्रोपीन की. प्रोपीन में कार्बन 3 कार्बन होती हैं, तो इसका हम जो है अब डाइमराइजेशन करेंगे प्रोपीन की. तो जो रिएक्शन होगा, एक निकल का मोनोडेंडेंट कॉम्प्लेक्स है तो इससे स्टार्ट होगा. तो निकल के एक साइड पे ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ट्राईसाइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल है, और निकल का मोनोडेंटेट फास्फीन लिगंड लगा हुआ है इस साइड पे. तो इस कैटलिस्ट से जो है, इस कॉम्प्लेक्स से जो है हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा डाइमराइजेशन का. तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो प्रोपीन का मॉलिक्यूल लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ से हमारे पास जो ये वाली जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले हमने इस कैटलिस्ट को एक्टिव करना है.
जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा हमारा जो रिएक्शन होगा डाइमराइजेशन का उसमें। तो ये जो हाइड्रोजन है ये पूरे का पूरा जो है निकल के पास चला जाएगा, निकल के साथ जाके अटैच होगा। और दूसरा जो ये वाली कार्बन है ये अब जो है कोऑर्डिनेट करेगी, ये वाली जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो हमें जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का मिलेगा। निकल कैटलिस्ट जो के एक्टिव हो जाएगा उसके पास हाइड्रोजन आ गई, और दूसरे इसके साथ जो लिगन लगे हुए हैं वो इस तरह ये दोनों लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है एक एक्टिव सिपिशी बन गई है, एक्टिव कैटलिस्ट बन गया है, जो कि रिपीटिंग यूनिट भी इसको बोलते हैं, जो हमारा जो फर्दर जितना भी रिएक्शन होगा उसमें अगेन एंड अगेन ये पार्टिसिपेट करेगा। तो होगा क्या कि अब सेकंड मॉलिक्यूल जो है प्रोपीन का जो मॉलिक्यूल है सेकंड, वो आएगा और निकल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। ये हमारे पास निकल है और ये दो उसके साथ जो रिमेनिंग लगे हुए हैं लिगन लगे हुए हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। और इस जगह पे आके हमारा इनकमिंग जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होगा। तो ये हमारे पास सी एच है, और ये CH3 है और इधर CH2 है। ये इथीन का मॉलिक्यूल आके इस कैटलिस्ट के साथ लगेगा। और अगले स्टेप में होगा यूँ कि ये जो पूरे का पूरा प्रोपीन का मॉलिक्यूल है ये माइग्रेट करेगा इस जगह पे, तो इसको अल्काइल माइग्रेशन कहेंगे। तो ये सारे का सारा जो प्रोपीन का मॉलिक्यूल है ये उस तरफ चला जाएगा, और जो इनकमिंग होगा जो सॉल्यूशन से हमें दोबारा मिलेगा वो इस जगह पे आके दोबारा अटैच होगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जो मूव कर गया, और अगले स्टेप में एक और मॉलिक्यूल, ये हमने इकट्ठे जो हैं दो मॉलिक्यूल शो किए हैं यहाँ पे, तो ये दो मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर गए हैं और इनकमिंग नीचे आके लग गया है। तो इस तरह से यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है, चूँकि ये हमारे पास इनकमिंग डोनर मॉलिक्यूल है ये वाला प्रोपीन का, तो जैसे ही ये वाला जो है बॉन्ड इसको मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो है इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, ये पूरे का पूरा जो है डाइमर बन के बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक डाइमर बन जाएगा। तो ये एक डाइमर है जो कि प्रोपीन का है। तो इस तरह से हमने अल्किन की डाइमराइजेशन की है, और रिमेनिंग जो है हमारे पास उसी तरह कैटलिस्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, जो कि रिपीटिंग यूनिट है और दोबारा जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये थी अल्किन की डाइमराइजेशन, जिसमें हमने जो है एक मोनोडेंटेट निकल का कॉम्प्लेक्स लिया और उससे रिएक्शन को स्टार्ट किया। और उस रिएक्शन में तीन स्टेप थे, एक इनिशिएशन थी, एक प्रोपेगेशन थी, और थर्ड पे एक टर्मिनेशन थी। तो इस रिएक्शन को डाइमराइजेशन तक रोकने के लिए हमने प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप को जो था रोकना था, और प्रोपेगेशन जो थी वो रिड्यूस उसको स्लो करना था हमने, वो एक इनकमिंग जो डोनर मॉलिक्यूल होगा उससे होगी, और टर्मिनेशन जो थी वो बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र से या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन से थी, जो कि हमने हाइड्रोजन
को ट्रांसफ़र किया निकल मेटल के पास। तो इस तरह से ये दोनों स्टेप कंट्रोल करते हुए हमने प्रोपीन की डाइमराइजेशन की। सबसे पहले कैटलिस्ट को एक्टिव हमने किया और एक्टिव करने के बाद जो है सॉल्यूशन से हमारे पास जो प्रोपीन थी उसने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की। तो ये था डाइमराइजेशन ऑफ प्रोपीन।